चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं। झारखंड से एक बड़ी जानकारी सामने आई। झारखंड से बड़ी जानकारी, 1000 करोड़ के अवैध खनन में ईडी के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ पूरी हुई है। हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी के कर्मचारी और अधिकारी। हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी। 3 पन्नों के लिखित जवाब को ईडी ने एक सिरे से खारिज किया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं 10 बजे के बुलेटिन में। 1000 करोड़ के अवैध खनन में ईडी की सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ। ईडी के सामने फिर से पेश होने के लिए समन जारी करेगी ईडी। तो यहाँ पर पूछताछ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से, और पूछताछ लंबे समय तक चली, पर इन सबके बावजूद भी ईडी के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो संतुष्ट नहीं हुए हैं। आज सुबह 10 बजे यूपीए की बैठक और इन सबके बीच 3 पन्नों के लिखित जवाब के को लेकर ईडी ने संतुष्टि अभी नहीं जताई। वह फिर से समन जारी किया जाएगा। यहाँ की जल जंगल जमीन को लूटना और 3 वर्ष के अंदर ये अबुआ राज का भभुआ मुख्यमंत्री यहाँ की प्राकृतिक संसाधन, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे बालू हो, या फिर सरकारी जमीन का जमाबंदी करके अपने परिवार के नाम पर जमीन का अंकित करना, ये 3 वर्ष की कहानी है। और जब ये भ्रष्टाचारी नेताओं को, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़े हैं लाइव, जो कि जानकारी देंगे। मनीष, पूछताछ तो हुई पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो इस पूछताछ से और सीएम हेमंत सोरेन के जवाब से संतुष्ट नहीं है। जी पूजा, लगातार लंबी बातचीत चली है, लंबी पूछताछ हुई है। रात के लगभग 9:45 बजे उन्हें छोड़ा गया है और वो सीधे कार्यालय आए। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इन्होंने लगभग 90% सवाल का जवाब गोल गोल दिए हैं, 10% का जवाब दिए ही नहीं है इन्होंने, तो इससे संतुष्ट नजर नहीं आए अधिकारी। और संभव है कि आने वाले समय में फिर से इन्हें बुलाया जाए। जो सूत्रों से जानकारी अभी हम लोगों को मिलकर सामने आ रही है, निकलकर सामने आ रही है, उसमें यही आया है कि संतुष्ट नहीं हुए हैं। पूजा सिंघल के मामले में भी जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने सीधे तौर पर पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ मैंने काम दिया था और वो क्या करते हैं इसे उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। उन्होंने निष्ठा के बारे में भी कहा कि वो चुनाव के समय में इनके पास कुछ चेक दिए थे, कुछ कागजात दिए थे। पूरी वो अवैध मामले में कहां छुपे हुए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया इन्होंने। यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इन्होंने गोल गोल सवाल का जवाब देते नजर आए। जिस समय इनसे जो AK-47 और कारतूस के बारे में पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया कि इस विषय पर पुलिस कप्तान से पूछी जानी चाहिए, उनकी ये जिम्मेवारी होती है। तो गोल गोल जवाब देकर ये निकलते नजर आए हैं। और अभी जो हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो लगातार हमलावर हैं इनके ऊपर, तो ये संभव है कि आने वाले समय में जो राजनीतिक परिदृश्य है झारखंड का वह बदलता नजर आए। ये पूजा, ठीक है मनीष, इसी के साथ सवाल ये भी है कि अगला समन भी जल्द से जल्द सीएम हेमंत सोरेन को जारी हो सकता है, इसमें कितना वक्त लग सकता है? अब जितने इन्होंने जवाब दिए हैं जो ईडी ने पूछा है, अब उस जवाब का जो काट है या कितना सही कितना गलत है ये सभी साक्ष्य जुटाएगी ईडी। जब जब पूरे साक्ष्य उनके पास आ जाएगा कि भाई आपने जो जवाब दिया था वो तो गलत आया, उसका प्रमाण ये है, प्रमाण के साथ अब ईडी इन्हें बुलाएगी। समय लग सकता है, 15-20 दिन का अनुमान है, समय लग सकता है, क्योंकि जितने सवाल थे उनके जब जवाब से संतुष्ट नहीं है, जब तक उसका प्रमाण नहीं होता है तो फिर इन्हें बुलाकर क्या करेंगे, तो समय लग सकता है। और ईडी के जो अधिकारी हैं वो जांच में लग गए हैं कि इनका जो जवाब है वह कितना सही है और कितना गलत है। और गलत है फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर ईडी की पूछताछ को लेकर असंतुष्टि ईडी के अधिकारियों की ओर से जताई गई है। अब ये देखना होगा कि इस कार्रवाई को लेकर सीएम हेमंत सोरेन अपने जवाब में क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, इस पर भी हमारी निगाहें बनी हुई है। फिलहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सुपरफास्ट का रुख करेंगे।